वंदे मातरम शिक्षक साथियों, विशेषकर पे मैनेजर का काम करने वाले साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर आपका सैलरी बिल या कोई भी बिल है अगर वो ऑब्जेक्शन में है तो उसको कैसे चेक करना है, उस ऑब्जेक्शन को कैसे रिमूव करना है। पूरी प्रक्रिया मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा। तो जैसे सबसे पहले आपको ऑथराइजेशन में जा करके मंथ टाइप करना है, उसके बाद में ईयर और उसके बाद में बिल टाइप में आपको जैसे सैलरी बिल का मैं उदाहरण बता रहा हूँ, तो वो बिल ये सैलरी सेलेक्ट करके आपको यहाँ देखना है। जैसे ये अगस्त माह के जो बिल है, अब इसमें एक एक बिल पे डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेटस में बिल पास आ रहा है, सेकंड में भी पास आ रहा है, और एक लास्ट जो बिल है जो मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, जहाँ से यहाँ डिटेल पे आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ स्टेटस आ रहा है कि टोकन नंबर ऑब्जेक्शन आ रहा है और बिल ऑब्जेक्शन इस पर वगैरह लिखा हुआ आ रहा है कि बिल इन ऑब्जेक्शन फॉर सिक्योरिटी बजट इनसफिशियंट बजट, और ये नंबर भी दिए हुए हैं, टोकन नंबर भी दिए हुए हैं। अब आपको जैसे यहाँ शो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा कि ऑलरेडी रिप्लाई, यानी इसका जवाब दिया जा चुका है, लेकिन वास्तव में ये बिल ऑब्जेक्शन में है। अब इस ऑब्जेक्शन को रिमूव कैसे करना है तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑथराइजेशन में जाना है, और ऑथराइजेशन में जाने के बाद में इस बिल को रिवर्ट करना है। तो अब जैसे रिवर्ट करने के लिए आपको यहाँ इस बिल के रेफरेंस नंबर चाहिएंगे, तो पहले रेफरेंस नंबर या तो आप नोट कर लें, और रेफरेंस नंबर अगर या मैनुअल भी आप कर सकते हैं, मैनुअल में थोड़ा समय लगेगा। अब जैसे यहाँ रेफरेंस नंबर फीड करके फिर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये रेफरेंस नंबर मैंने फीड कर दिया और गेट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएगा कि बिल नंबर आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, और जो बिल का नाम है, किस हेड का बिल है, उसके बाद में बिल टाइप है, तो ये सैलरी आ गया, ग्रॉस अमाउंट आ गया, नेट अमाउंट आ गया, और बजट हेड जो है वो आ गया। अब जैसे ये अब इसमें इस बिल को रिवर्ट करना, तो यहाँ रिवर्ट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पूछेगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू रिवर्ट द बिल, यानी कि आप बिल को रिवर्ट करना चाहते हैं, तो येस ओके पे क्लिक करना है और इसमें आ जाएगा बिल रिवर्टेड सक्सेसफुली। अब आप ये रिवर्ट करने के बाद ही आप देख पाएंगे किसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन था। तो आप जैसे ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ से आपको व्यू, ये नीचे जो ऑप्शन है व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस, यानी क्या ऑब्जेक्शन था बिल पे, वो आपको यहाँ चेक करना है। तो यहाँ जैसे मंथ सेलेक्ट करना है, अगस्त का बिल था तो अगस्त सेलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद में 2022, और बिल सैलरी का था तो अब सैलरी बिल में कौन सा बिल था तो वो बिल आपको यहाँ से देखना है। अब जैसे यहाँ बिल नंबर है तो ये बिल नंबर आ जाएंगे, और ये बिल जो इसमें था कि इसमें दो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो पहला आया कि बिल इन ऑब्जेक्शन फॉर सिक्योरिटी, तो इसमें आपको लिख देना है कि सिक्योरिटी मतलब बिल को ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया है, बजट इनसफिशियंट है और इसमें भी बजट इनसफिशियंट, यानी दोनों ऑब्जेक्शन एक ही है। उसके बाद में यहाँ चूज पीडीएफ के लिए आपको कहा जा रहा है, तो यहाँ पीडीएफ क्या चूज करेंगे, अब जैसे ऑब्जेक्शन पर निर्भर करेगा कि आपको यहाँ पीडीएफ क्या सेलेक्ट करनी है। अब जैसे बजट इनसफिशियंट का है तो आपको आईएफएमएस में जाकर के, अब जैसे आपको पता होगा फुल बजट का सिस्टम है, और फुल बजट में आप कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, यानी जिस हेड का जो भी बिल है उस हेड की जो भी है पूरी की पूरी आपको पीडीएफ है, वो काफ़ी लंबे चौड़े पेज में आपको यहाँ मिल जाएगी। अब उसको डाउनलोड करके यहाँ आपको अपलोड करना है, और यहाँ जो बजट इनसफिशियंट है इसके आगे आपको लिखना है कि ऑब्जेक्शन क्लियर, और पीडीएफ को सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं यहाँ लिख करके फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, तो यहाँ आपको जो भी लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ आप देखेंगे मैंने यहाँ लिख दिया कि ऑब्जेक्शन क्लियर, और जब बिल बजट इनसफिशियंट का जो दो ऑब्जेक्शन है और दोनों सेम ही ऑब्जेक्शन है, तो इसमें आपको लिखना है फुल बजट पीडीएफ अपलोडेड, यानी जो फुल बजट की जो पीडीएफ है बजट वाली वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ चूज फाइल में मैंने ये फाइल है इसको जैसे यहाँ जहाँ भी पड़ी है डाउनलोड में पड़ी है, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, और उसके बाद में यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे फाइल सेलेक्ट होगी, अब इसमें आ गया कि डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, अब आपको ओके पे क्लिक करना है, और अब जिसमें ऑथराइजेशन जा करके अब जैसे व्यू बिल स्टेटस में आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे अब यहाँ क्या आता है, तो उसको मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ अगस्त सैलरी, और अब जैसे यहाँ ये डीडीओ फॉरवर्ड नहीं हुआ है अभी तक, जैसे ये बिल जो मैंने अभी आपके यहाँ ऑब्जेक्शन बता रहा था, अभी ये ऑब्जेक्शन का यहाँ शो होगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जैसे ये बिल है डीडीओ फॉरवर्ड नहीं हुआ है, डीडीओ फॉरवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये एक्स आ रहा है, इसका मतलब डीडीओ फॉरवर्ड भी नहीं हुआ है और न ट्रेजरी फॉरवर्ड हुआ है। अब इसको आप एक बार डीडीओ फॉरवर्ड अगर होता है तो उसको आप एक बार करके देख लें, अगर नहीं होता है तो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा, आपको चेक करते रहना है। अब जैसे यहाँ जो बिल था ये, अब जैसे यहाँ बिल नंबर नहीं आएगा तो डीडीओ फॉरवर्ड का पहले जो ऑप्शन था अब हटा दिया है, तो अब इसको आपको यहाँ बिल जो सैलरी प्रिपरेशन में जो था
बिल कंफर्मेशन में इसको जाकर के यहाँ आपको देखना है, अगर यहाँ बिल अगर शो हो रहा है, अभी नहीं होगा, कुछ समय के बाद में ये बिल यहाँ शायद शो हो जाएगा और उसके बाद में आगे का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको ये बिल ऑब्जेक्शन इस तरीके से रिमूव करना है। अगर इसमें आपके अगर इसकी जगह अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्शन है, जैसे कि किसी एम्प्लॉय की कटौती अगर गलत कर दी है या और कोई कटौती जो डिडक्शन है उसमें आपने स्लैब के अनुसार नहीं की है, अमाउंट के अनुसार नहीं की है, तो आप संबंधित जो भी बिल को आप एक बार पूरा डिलीट कर दें, उसके बाद में एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के उस जो भी कार्मिक है जो ऑब्जेक्शन जिस संबंधित में है उसको आप रिमूव कर दें, यानी उस एंट्री को सही कर दें। आपके अगर रिडक्शन या सही की जीपीएफ की या जो भी कटौती अगर सही नहीं है तो उसको आप एक बार सही कर लें, उसके बाद में आप फिर आगे का जो प्रोसेस है वो करें। अब मैं आपको बता दूं कि जो आईएफएमएस पे पूल बजट का जो बजट कैसे चेक करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ लॉगिन आईडी जैसे गेस्ट है पासवर्ड आपको बताया, उसके बाद में यहाँ कैप्चा कोड भर के इसको यहाँ लॉगिन करना है। बहुत संक्षेप में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप पूल बजट से आप बजट चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, जैसे ये इसको यहाँ कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन हो जाना है। अब ये एक इनवैलिड यूजर आईडी आ रहा था, एक बार बार इसकी कोशिश कर लेते हैं कैप्चा कोड भरने के बाद में। इसको मैं लॉगिन करके फिर आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ कैप्चा कोड भर के आपको यहाँ फिट करेंगे तो आ जाएगा वेलकम टू आईएफएमएस। और उस पर अब पहले जैसे इसमें बजट डिस्ट्रीब्यूशन में रिपोर्ट में ये बजट बैलेंस इन पासबुक फॉर्मेट ये आता था, अभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। अब आपको यहाँ अमाउंट इन हेड इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ आपको बीएफसी यूनिट है उसमें आपको सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे शिक्षा विभाग की बात करूँ तो सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ से आपको जो पूरी लिस्ट है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर 13 नंबर का। फिर इसमें अगर स्टेट फंड में आपके चेक करना है तो स्टेट में या सेंट्रल फंड में। अब जैसे इसका जो वेड मैं चेक कर रहा हूँ वो स्टेट फंड में आ रहा है और उसके बाद में तो स्टेट फंड सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद वोटेड करना है और रिपोर्ट टाइप में विड्रॉल अमाउंट इन जो भी है ऑफिस करना है, उसके बाद ऑफिस आईडी कर देना है और यहाँ आपको बजट हेड लिखना है कि किस बजट हेड में आप इस बिल को, ये आपके जो भी अगर बिल इनसफिशियंट है तो कौन से बजट हेड में वो आपको यहाँ चेक करना है। अब जैसे यहाँ यहाँ लिखा हुआ है बजट हेड लीव ब्लैंक फॉर ऑल और आप क्लिक करेंगे तो अब जैसे यहाँ आ जाएगा सम एरर अकर, इसका मतलब हुआ कि यहाँ आपको भले लिखा हुआ कि लिंक लीव ब्लैंक फॉर ऑल यानी खाली छोड़ें, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ आपको जैसे सैलरी के लिए तो ऑब्जेक्ट डेट 101 आपको सेलेक्ट करके फिर इसको आपको शो रिपोर्ट पर क्लिक करना है। तो अब जैसे ये पीडीएफ यहाँ डाउनलोड हो जाएगी और इस पीडीएफ को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इस तरह से जो पूरी ये पीडीएफ है ये डाउनलोड हो जाएगी आपको। यहाँ काफ़ी लंबी चौड़ी पीडीएफ है, ये जैसे 97 पेज की है। अब इसमें आपको अलग अलग जो भी विद्यालय आप सेलेक्ट करना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं किस बजट में कितना ऐड पड़ा है। और यहाँ जैसे सबसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये तो टोटल अमाउंट है, जैसे ये अमाउंट इन हेड है, एक्सपेंडिचर है और अमाउंट विड्रॉवल अमाउंट है इन हेड। तो अब जैसे यहाँ ये टोटल अमाउंट था इसमें से ये इतना एक्सपेंडिचर हो गया और इतना अमाउंट है वो शेष बचा रहा है। तो ये पूरा बजट आप चेक कर सकते हैं और इसी पीडीएफ को आप ऑब्जेक्शन रिमूव करने के लिए इसको आप अपलोड कर लें। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको बजट इनसफिशियंट का जो भी ऑब्जेक्शन आपके सैलरी बिल में आ रहा है वो कैसे रिमूव करना है। इसके अलावा अन्य कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसके लिए जो भी ऑब्जेक्शन है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसका रिप्लाई करना है, या अगर कोई एंट्री आपने गलत कर दी है तो उसको पहले सही करना है, उसके बाद में फिर आपको ये प्रोसेस करना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसी संबंध में अगर कोई आपकी इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।